वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़ राना। अभी जो लाइव वायर में बात की जाएगी वो है स्टील सेक्टर के ऊपर। नाज़रीन, जैसे कि स्टील सेक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जा रहा है इस वक्त, और इससे कबल भी कि हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में 8वां नंबर रखता है स्टील के मेयार से, और स्टील के मुताबिक जो प्रोडक्शन बनाई जाती है स्टील, क्योंकि आजकल हम इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं क्योंकि जो स्टॉक मार्केट के अंदर हम जब बात करते हैं तो हम बात यही करते हैं कि इस वक्त सबसे बेहतरीन सेक्टर जो देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में, जो कि जो कंपनी इसके अंदर रजिस्टर हैं वो उनके शेयर्स के ऊपर जो है हम बताया ये जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। ऐसी तमाम तर इकदाम अगर लिए जाएँ या बहुत सारी जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आने की गुंजाइश मौजूद है, ताकि क्योंकि हम इसकी बात न्यू जब से स्टील के ऊपर फोकस और सीमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस इसलिए आया है कि जब से सीपैक की बातों की जो बाजगश्त यहाँ पे रही उसके लेके कि सीपैक आना है, सीपैक आना है, और सीपैक आ गया और डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो गया, वो रोड भी तैयार हुआ, और उसके साथ साथ बहुत से डेवलपमेंट अभी क्योंकि वो उसको 2030 में पूरा होना है और अभी भी काफ़ी उसमें काम बाकी है। इन तमाम तरह सेक्टर के साथ इस वक्त क्या पोजीशन है पाकिस्तान, जबकि माना यह जाता था कि उस वक्त वो 8वीं पोजीशन रखता था, अब क्या इस वक्त हालात हैं स्टील सेक्टर की, क्या मुश्किलात हैं इस वक्त, स्टील सेक्टर क्या स्टैंड करता है, स्टील सेक्टर से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम तरह बातों के लिए हमने स्टूडियो में इन्वाइट किया है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं शमूंद बाकर अली साहब, प्रेजिडेंट हैं आप स्टील की जो एसोसिएशन, आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर, आपसे तो मेरी पहली दफ़ा इस तरह मुलाकात हो रही है, और मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जिन्होंने हमें ज्वाइन अप किया हो, जो हमारी ट्रांसमिशन अब देख रहे हो, हम स्टार्ट लेते हैं इस बात से कि स्टील सेक्टर, जो कि मैंने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि 8वां बड़ा हम पढ़ते, मैं जो पढ़ रहा था तो कि इसके अंदर प्रोडक्शन के लिहाज से माना जाता, इस वक्त स्टील सेक्टर को आप पाकिस्तान में कैसा देख रहे हैं? आयरन स्टील इंडस्ट्री को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, ठीक, और बुनियादी सनत है, आज भी है, पहले भी थी और आने वाले वक्तों में भी रहेगी, चाहे सीपैक हो चाहे ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त भी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है बहुत कम है। हमारी इस वक्त पर कैपिटा कंजम्पशन तकरीबन 42 से 42 से 43 केजी पर पर्सन है। हमारे अतराफ़ में जो ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, वहाँ ये सब 60, 70 और 90 केजी तक की कंजम्पशन है। उस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास मज़ीद डिमांड भी है, मज़ीद इसमें ग्रोथ की गुंजाइश भी है, जबकि यही पर कैपिटा कंजम्पशन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की देखें तो वो 450 और 500 केजी पर पर्सन के हिसाब से है। ठीक, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जी कहीं पर स्टील में मंदा है। ऑलवेज देर इज़ अ डिमांड, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कुरान शरीफ में इस कारोबार का, इस इंडस्ट्री का जिक्र है, और उसमें कहा गया है कि इसमें हमने आपके लिए फवाइद रखे हैं, सुन्नत कारोबार। अब उसी बेसिस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच करें तो जो स्टील इंडस्ट्री होती है उसके बाहर जो उसकी मिट्टी होती है ना वो भी बिकती है। अच्छा, अब चूँकि हमारा मसला जो है वो बहुत सी जगह पे ऐसा पिक्यूलर हो जाता है, अगर हम पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो आज से जब 40 साल पहले स्टील इंडस्ट्री बनाई गई, लगाई गई पाकिस्तान में, तो वो सब उस विजन को रखते हुए बनाई गई, लगाई गई, चली अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वक्त भी आया कि स्टील मिल ने जो है वो प्रॉफिट किया। यही स्टील मिल थी 99 में जो बिल्कुल खसारे में चली गई थी, फिर वापस स्टील मिल को रिवाइज़ किया गया और 2007-8 तक ये पोजीशन हो गई थी कि स्टील मिल के पास रिजर्व्स मौजूद थे। आज फिर जो है वो स्टील मिल की हालत ये है कि आज तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, बरसों आज 2-3 साल हो गए मिल बंद पड़ी है, फर्नेस बंद पड़ी है। अब इसकी रीजनिंग में अगर हम जाते हैं तो जो चेंजेस आती है वो सब चीज़ें पॉलिटिकली हमारे यहाँ जो है इन इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, बिज़नेस हमारे फादर भी करते थे, हम भी कर रहे हैं, और शायद आने वाली जनरेशन भी हमारी करे। यही स्टील के काम में कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। अब रही बात कि जी हमारी इंडस्ट्री एक नहीं चल सकी, वो स्टेट इंटरप्राइज है। आपने ऐसे बात की कि स्टॉक एक्सचेंज में माशाल्लाह जो स्टील की कंपनीज है दे आर शोइंग वेरी गुड प्रॉफिट, क्यों? वो प्राइवेट सेक्टर की है, इसलिए
क्योंकि उनकी मैनेजमेंट सही है, सही वो अहल हैं उन इदारों को चलाने के, वो उन इदारों को अपना समझ के चलाते हैं। वो इदारे चूँकि सरकारी हैं, नोबडी केयर्स फॉर इट कि भाई उसका क्या हो रहा है क्या नहीं। अब अगर हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज भी हमारे मुल्क में स्टील की डिमांड है और मज़ीद आने वाले वक्तों में रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सीपैक के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसमें कुछ खदशात हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसकी निशानदेही बाद में करते हैं। लेकिन अगर सीपैक के हवाले से जो बात हो रही है, देखिए रोड बनने में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जब वो रोड बन जाएगा और उसके साथ जो है 7 या 8 जो इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, उन जोन्स के अंदर जब इंडस्ट्रीज लगेगी तो डेफिनेटली लोहे की डिमांड आनी है। और ठीक है जी, वो रूट बन जाएगा तो उसके ऊपर जो सारा माल भी बिकेगा और सारा शिपमेंट भी आसान हो जाएगी और दुनिया में हम सस्ता माल शायद दे सकें। इस सिलसिले में कुछ लोगों के खदशात भी हैं, चूँकि हमारे माशरे की नौयत जो है वो उसमें करप्शन है, उसमें बहुत सी बेजाबतगियाँ हैं, तो लोग ये भी खदशात रखते हैं कि शायद इसकी वजह से जो सी पैक के नाम पर जो माल आता जाएगा और आज जो माल हम ड्यूटी भर के और कस्टम को और रेवेन्यू दे के ला रहे हैं, शायद वो सी पैक के नाम पर आना शुरू हो जाए। क्यों कि आज से 2007-08 से पहले चाइना एक स्टील का बायर था, सही 2007-08 ऑनवर्ड्स चाइना एक स्टील का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और आज ये पोजीशन है कि दुनिया की 55% ऑफ द स्टील प्रोडक्शन जो है वो चाइना मैनेज करता है। अच्छा, वो पूरी मार्केट को अपने हिसाब से, जैसे आजकल इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल रुकी हुई है यूरोप की, अमेरिका की, दूसरे तमाम कंट्रीज, क्यों? तो कि चाइना में हॉलीडेज हैं, सही, चाइना बंद, इंटरनेशनल लोहे की काम बंद, ठीक है जी, डोमेस्टिक आपका काम होता रहेगा। तो चाइना इज़ अ मेजर प्लेयर। ओके, अब उस मेजर प्लेयर की वजह से और हमारे हालात को देखते हुए लोगों के दिलों में खदशात तो हैं कि जी जब सीपैक का नाम के ऊपर जो है शायद, अब गवर्नमेंट ने इन तमाम चीज़ों की वजाहतें नहीं की हैं कि जी इन चीज़ों में, इन इकोनॉमिक जोन में जो माल आएगा क्या वो ड्यूटी फ्री होगा, चाहे क्या नहीं होगा, उन वहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल जो आएगा, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा, क्यों कि हो सकता है अगर अच्छी बात हो तो हम तो ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान में 2 मिलें लगा लें। आज के ज़माने में चाइना जैसी टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो मिल स्टील का लगाना कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, 2 मिलें लगा लें, 2 साल में तैयार हो जाएगी, उसके बाद हमारे मुल्क में जितना लोहा चाहिए हम तैयार करके दे देंगे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट डिटेल्स अपनी देगी कि इस सिलसिले में उनका क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से उनकी पॉलिसी है, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से। लेकिन अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें तो वहाँ पर डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह लोहे की जितनी कंपनीज हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, गिविंग इट, पास इट ऑन टू देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो चूँकि एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हुए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगी हुई है, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगी हुई है, अदर देन कस्टम ड्यूटीज़, एक नॉर्मल कस्टम ड्यूटी के अलावा रेगुलेटरी ड्यूटी भी है, लगती है हम पे, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगती है लोहे के ऊपर, तो जिसकी वजह से हम एक आम आदमी को, जिसको हम एक पाकिस्तानी कहते हैं, उसको सस्ता लोहा हम नहीं दे सकते। वजह कस्टम ड्यूटी, एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज लगाई गई हैं। देखें हमेशा सर, हमने लैंडिंग पार्क तो बनाया हुआ है ना अपना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे मुल्क में हमेशा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहता है इंपोर्टर्स का, कमर्शियल इंपोर्टर्स का या इंडस्ट्रियल इंपोर्टर्स का और इंडस्ट्री का। सही, कुछ मुख्तलिफ इकसाम की ड्यूटियाँ इंडस्ट्रीज के कहने के ऊपर इंपोर्ट स्टेजेस के ऊपर लगाई जाती है। सही है कि जी चूँकि डंपिंग हो रही है, ये हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया जाए। ओके, अब उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी इंडस्ट्री जो है हमारे मुल्क की फ्लरिश करेगी तो इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। ओके, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जी इफ़ यू पास ऑन द प्राइसेस एट द लोअर प्राइस, कोई भी मटेरियल आप लोअर प्राइसेस को कंज्यूमर को देंगे तो इकोनॉमी विल फ्लरिश अकॉर्डिंगली। आज चूंकि एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगी हुई है तो कोई चीज़ हम बाहर से लोहे की इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अगर मैं बाहर से मंगाता हूँ
तो मुझे उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो इस वजह से अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाना है तो हमें अपनी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट को तैयार करना पड़ेगा। अब वो जी पहले टीतर बनेगा कि पहले बटेर निकलेगा, वो उस सिलसिले में जो है वो काम रुका हुआ सर। एक्सपोर्ट तो जब हमारी ड्यूटी अपनी इतनी हमारे पास इस वक्त खपत है, हम खुद इंपोर्ट करने पे आ चुके हैं, हम वो इतनी प्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहे जहाँ तक मेरा मुझे पता है। तो क्या हमारे इस वक्त हम उस वक्त इस कंडीशन में हैं कि आप समझते हैं कि हम एक्सपोर्ट भी करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ मिलें हैं ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट कर रही हैं स्टील की प्रोडक्ट्स, ठीक, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं एंड दे आर एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स आल्सो। तो बात वही है कि हर डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं वो पर्टिकुलर ट्रेड टू ट्रेड और पर्टिकुलर जो अंदर जो छोटी प्रोडक्ट्स होती है उसके हिसाब से है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में जो है हम 90% जो है मटेरियल हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है। इवन के जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज जिसको हम हैं हम उसको प्रोसेसिंग मिल्स कहते हैं, वो भी अपना रॉ मटेरियल जो लोहे की है का ही रॉ मटेरियल है उसको भी वो इम्पोर्ट करती है। तो सर जब स्टील मिल ही बंद पड़ी है तो सब कुछ ही अब बाहर से ही लाना पड़ेगा। आपकी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इदारा है स्टील मिल की हालत ये है कि जी वहाँ पे चूंकि वो पॉलिटिकलाइज इश्यूज हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे बहुत सी बातें आ जाती है, गवर्नमेंट बोलती है बेच दो, कोई बोलता है ना बेचो, तनख्वाहें नहीं है, हाथी बन गया है, इसको एलिफेंट है वाइट एलिफेंट, इसको ख़त्म किया जाए, उसमें भी चूंकि लोगों के इंटरेस्ट हैं। अब वो जब मिल बेचने की बात हो रही है तो नाउ नोबडी इज़ बॉदर्ड फॉर द मशीनरी, पीपल आर आफ्टर द लैंड। जाहिर बात कि जी वो बोला सिंध गवर्नमेंट बोलती है मेरी है और वो फेडरल गवर्नमेंट बोलती है हमारी है, पीक्यू वाले बोलते हैं हमारी है। सर अभी थोड़े दिन पहले खबर भी आई थी कि जो नायब ने है वो एक केस उठाया है जिसके ऊपर इंक्वायरी की जा रही है कि स्टील मिल से कुछ ऐसे लोकल प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज या इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बहुत कम कीमतों के ऊपर जो है वो लोहा जिसको कहा जाए वो उठाया था और उसके बाद अब उनसे कहा जा रहा है कि वो जो पैसे थे जो सब्सिडी समझ लें जैसे गवर्नमेंट देती है इस तरीके से वो स्टील मिल ने उसके बर्दाश्त किया, और कहा जा रहा है कि वो करप्शन का मामला कुछ ऐसा था और वो जब वापस उनको देना था वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो एक उसके ऊपर एक केस बन रहा है। तो क्या ये भी एक वजह आप समझते हैं कि जब अपने वो फ्लो में चल रही थी तो वो सपोर्ट करने के बजाय जो हम लोकल इंडस्ट्री को उठाने के लिए जब वो जिन प्राइजेस पे दिया गया और वो फिर उस वक्त वो प्राइस जिस पे एक्चुअल देना चाहिए था और वो अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए था इदारे को वो खड़ा नहीं रह सका, तो अब क्या देखते हैं कि ये भी एक वजह बनी है क्या उसको डैमेज करने के लिए? ये पाकिस्तान स्टील मिल की खुशकिस्मती थी कि जब 2002 में स्टील की दुनिया की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई दैट एंड इट वेंट अप टू 2006-2007 में तो मैं वही हम जब नुकसानी की बात आएगी तो मैं वहीं पर पहुंचेंगे, लेकिन पहले आप नफे की बातें गिन लें कि 2002 ऑनवर्ड्स जब चाइना ने दुनिया से लोहे की बाइंग शुरू की तो स्टील प्राइसेस यूं कंटिन्यूस 5 साल तक ऊपर गई। ओके उसमें स्टील मिल ने बहुत अच्छे पैसे कमाए, अपने डेब्ट्स भी राइट ऑफ किए, तनख्वाहें भी दी, खुशहाली भी आई और बहुत अच्छा था। 2007-8 में जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को तैयार किया और फिर उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू किया तो इट वॉज नॉट ओनली पाकिस्तान स्टील मिल जिसको प्रॉब्लम आई, दुनिया की तमाम मिलें चाहे वो एस्लोर मित्तल हो, चाहे वो BHP हो, चाहे कोई भी बड़ी मिले हो, टाटा वाले हो, जो कोई भी, सबको जो है वो प्रॉब्लम्स आई। अब चूंकि हमारे यहाँ अगर हम प्राइवेट इंटरप्राइज हैं तो जी मैंने आज ये 1 रुपए की चीज़ है मुझे जो है वो आज 10 पैसे का नुकसान हो रहा है मैं आज बेच दूंगा, आई विल डिसाइड फॉर माई सेल्फ, चूँकि वो सरकारी इदारा था और जब प्राइसेस डाउनवर्ड शुरू हुए तो वहाँ किसी ने डिसीशन नहीं लिया उस टाइम के ऊपर कि जी हमें आज 5% नुकसान में माल बेचना है कि नहीं बेचना, कल जो है वो 10% नुकसान हो गया, परसों 30% नुकसान हो गया। विद इन अ पैसेज ऑफ 1.5 ईयर प्राइसेस 40% रिड्यूस हो गई। अब वो 40% प्राइस रिडक्शन के ऊपर जब माल बेचा गया एक साथ, चूंकि उन्होंने उस वक्त नहीं बेचा तो जी ये कि जी इसने यूं किया, इसने यूं किया, इसने यूं किया, इसने यूं किया, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम आते चले गए जिसमें हो सकता है गलत तरीके से भी काम किया गया हो, लेकिन
इसमें हमारे जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी नैब के केसेस बने, किसी के ऊपर बना 1,66,000 रुपए का, सही, किसी के ऊपर बना 2,37,000 रुपए का। अच्छा, और वो बेचारे 5-5 साल तक नैब के दफ्तर में चक्कर काटते रहे। जब हमसे मशवरा करते थे तो हम तो बोलते थे भाई मेरे ऊपर अगर 1,37,000 रुपये आपने भर दिए, 1,37,000 रुपये, जान छुड़ाएं, खत्म। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो बीच में प्रोफेशनल्स आपके साथ होते हैं वो नहीं जी आप जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगर आपकी शिनाख्ती कार्ड के ऊपर एक स्टैंप आ जाएगा कि जी आपने नैब से वो प्ली बार्गेन की है। व्यापारी आदमी होता है वो मुख्तलिफ बातों में फंसते रहे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ अवर मेंबर्स हैव पेड ऑफ। क्यों? क्योंकि 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, हाँ बड़े केसेस होंगे, बड़े केसेस में करप्शन है नहीं है वी हैव नो आइडिया। वो ऐसा है भी नहीं कि नैब केसेस भी बनाता है तो वो उसकी भी एक सर्टन अमाउंट बना दी गई है। पहले तो चाहे 50,000 का केस हो, 1,00,000 का हो, ये बनते रहे, लेकिन अब चूंकि बड़े अगर अमाउंट है तो वी हैव नो आइडिया फॉर इट। वो बड़े अमाउंट हो सकता है, वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, क्या हो क्या नहीं, वी हैव नो आइडिया फॉर इट। सर मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अब स्टील सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो अब क्योंकि हम बना नहीं रहे हैं तो इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो 15% जो ये रेगुलेटरी ड्यूटी है इसको क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? ये देखें आरडी हमारे यहाँ अमूमन पीछे जब लगती थी, आज से 2-3 साल पहले तक जब वो फाइनेंस बिल में वो चेंजेस नहीं हुई थी, तो कोई भी आरडी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कवर करने के लिए या इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए लगा लेती थी, और जैसे ही बजट आता था तो वो आरडी खुद ब खुद लैप्स हो जाती थी। लेकिन पिछले 2 साल से हमने अपने फाइनेंस बिल में ऐसी चेंजेस की है जिसकी वजह से एक दफ़ा आरडी लग गई तो ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो केस हुआ है जिसमें 731 आइटम्स का SRO 1035 के तहत माफ़ी दी गई है, उसमें भी हम समझते हैं कि गवर्नमेंट शायद वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी अपील के ऊपर। अच्छा, और हमारी आइटम उसमें कवर नहीं होती क्योंकि ये जो 1035 SRO इशू हुआ था वो पिछले 6-8 महीने पुराना है, जिसमें बेसिक ज़रूरियात की आइटम थी। हमारी आइटम्स जो हैं उसके ऊपर आरडी को लगे हुए 2 साल पहले हो चुके हैं, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि उसका डिसीजन क्या आता है। अगर उसमें डिसीजन में कोई रिलीफ मिला तो डेफिनेटली हम भी जाएंगे गवर्नमेंट के पास कि जी, क्योंकि देखें बेसिकली हमारा जो स्टील है इट्स अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के ऊपर आरडी होती ही नहीं है क्योंकि वो तो एक आगे पास ऑन हो रहा होता है। अब ये बात कर रहे हैं हम, एक ब्रसल्स नोमेनक्लेचर है जिसके WTO के तहत तमाम गवर्नमेंट्स इसके पाबंद होती हैं, उसमें ये है कि बेसिक रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी 0-5% होगी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर 5-10% होगी, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके ऊपर 20% से ज़्यादा मैक्सिमम ड्यूटी नहीं हो सकती। हमारी लोहे की बहुत सी आइटम है जिसमें हम 10% दे रहे हैं हालांकि वो रॉ मटेरियल है, इवन ऐसी आइटम भी जिसमें हम 20% भी दे रहे हैं। अच्छा, तो हमारे साथ तो सौतेला वाला सलूक किया जा रहा है, लेकिन ठीक है, हर एक को पता है सरकार में कि जी लोहा तो चाहिए, जिस तरह आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है खाने पीने की इस तरह इसकी रिक्वायरमेंट है, 35 kg, 37 kg पर कैपिटा कंजम्पशन तो है ही है। हाँ हमारी जब GDP अच्छी हो जाती है तो ये कंजम्पशन जो है 45 तक भी हुई है, ऐसा भी वक्त आया है 2004-5-6 में जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी GDP और मुल्क की इकोनॉमी अच्छी चल रही थी तो हमारी जो है ये पर कैपिटा कंजम्पशन जो है ये 47-48 kg तक गई है, उस वक्त तो आबादी भी कम थी, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंसस के बाद हमारे 23-24 करोड़ लोग हो गए, तो उस हिसाब से हमारी कंजम्पशन तो बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ लोकली जो है मिल्क्स को जो है वो प्रोटेक्शन कुछ ज़्यादा ही है, हालांकि बन जाए मिल और फिर उसके बाद उसको जो है वो प्रोटेक्ट करें, इस वक्त तो कोई बेसिक रॉ मटेरियल की हमारे पास जिसको हम इंडिजिनस मिल कहेंगे कि जो खाम लोहे से जो है लोहा बनाए ऐसी कोई मिल नहीं। ठीक सर, यहाँ पे हम ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जाते हैं, फिर यकीनन बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन बहुत अच्छी डिस्कशन जारी है क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है इस पर हम बड़ा फोकस किए बैठे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, बात चल रही है सर कि
स्टील सेक्टर को लेके। अब मैं आपसे जो सीधा और डायरेक्ट सवाल करने वाला हूँ वो सवाल ये है कि 2.2 बिलियन जो है डॉलर चाइना जो है वो राज़ी हुआ है कि वो एक्सपेंशन करना चाहता है पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर, क्या देखते हैं आप? एक्सपेंशन तो नहीं होगी बेसिकली, जो हम समझते हैं कि ये चूँकि ये टेक्नोलॉजी जो है वो चूँकि हॉरिजॉन्टल बेसिस के ऊपर थी, अब नई टेक्नोलॉजी तो स्टील की जो वर्टिकल आई हुई है, ये सारी मिल जगहें जो जितनी मशीनें हैं ये सब तो एज इट इज़ उखाड़ के रखेंगे और नई इंडस्ट्री यहाँ पे हो सकती है। और हमारी एसोसिएशन में भी जो है वो एंगांग मिल के जो लोग थे वो आए थे, हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी और हमने भी उनको पॉजिटिव साइन दिया था कि वाई नॉट पाकिस्तान। देखिए कंजम्पशन तो है ना, डिमांड तो है। मैं थोड़ा सा हटके एक बात करूँगा शायद ऑन अ लाइटर मोड, स्टील मिल की बात तो हम बाद में देखें। कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट हम किस चीज़ के लिए करते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट बिके। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि हमारी चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए, उसके लिए भी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। KESC एक इदारा है, वो एडवर्टाइज करते हैं बिजली बचाइए। अरे भाई बनाएंगे और बेचेंगे और लोग खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं जी हमारी चीज़ इस्तेमाल ना करें, उसके भी हम पैसे देते हैं। तो पाकिस्तान की बात तो छोड़ दें, एनी हाउ लोहे की इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान स्टील के हवाले से अगर हम बात करें तो डिमांड है। अब इश्यूज जो हैं, चूँकि पाकिस्तान स्टील मिल जो इतने टाइम से रिवाइव नहीं हो रही, वो वहाँ पे डिस्प्यूट है ज़मीनों का। ठीक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है हमारी है, सिटी गवर्नमेंट शायद कहती है हमारी है, पोर्ट कासिम के इलाके वाले कहते हैं हमारी है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारी है। अब जो 20-25 हज़ार एकड़ ज़मीन है, इंडस्ट्री जो है वो तो सिर्फ 5,000 रुपये लगनी है, बाकी जो है वो तो किसी काम की नहीं है। वो डाउनस्ट्रीम के हवाले से वो विजन था, आज से 40-50 साल पहले जब लगाई गई तो विजन था कि जी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, सब कुछ लगेगा। सही, यानी मैं आपको बताऊं स्टील मिल के एक चेयरमैन थे कर्नल अफजल साहब, ओके 2000 में वो हमारी स्टील मार्केट आए थे जो कि डाउनटाउन शहर के बीच में। बिल्कुल, उन्होंने वहाँ देखा जी यार आप लोग यहाँ बैठ के काम करते हो, ये करते हो तो बहुत गलत है, आप लोग स्टील मिल के डीलर हैं, आप लोगों का तो मटेरियल क्यों ऑल द वे नीचे आए और फिर यहाँ से आप लोग वापस अपनी मंडियों में, सबसे बड़ा मसला आपको हम वहाँ ज़मीन दे देते हैं जी आप मार्केट वहाँ शिफ्ट कर दें। जब ये बातें वहाँ पे बाहर आई, मीडिया में आई, तो हमें जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उस वक्त नाज़िम थे उन्होंने अप्रोच किया कि नहीं जी बहुत अच्छा आइडिया, आप लोग जो है वहाँ पर मार्केट शिफ्ट करें, हम शहर में जो है कंटेनर की मूवमेंट और ये और सब हैवी ट्रैफिक नहीं आएगी। वी वर क्वाइट हैप्पी। सही बात है। हुआ क्या कि जी ना हमें आज तक ज़मीन मिली ना हम मार्केट इस वक्त शिफ्ट कर चुके होते, क्योंकि पोर्ट कासिम से इम्पोर्ट होनी थी या स्टील मिल से इम्पोर्ट होनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जो दो मिलें इस वक्त लगी हुई है वो भी उसी एरिया में है। तो अगर इस टाइप की कोई फैसिलिटी बनती है तो हम तो पैसे भी देने को तैयार हैं कि जी स्टील मिल की ज़मीन में से अगर कुछ हमारी मार्केट के लिए 400 एकड़ 300 एकड़ ज़मीन दी जाए तो हम अपना पूरा ट्रेड लोहे का जो है जो कि इस वक्त डाउनटाउन में है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन इंडस्ट्री लगे बने और चलना शुरू हो जाए, ये सारे उसके बाद के मामलात हैं। इस वक्त जो है वो स्टील मिल की हालत आपको पता है सर, जी तनख्वाह के भी तो पैसे नहीं है, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज तो काम कर रही है ना सर, प्राइवेट इंडस्ट्री इतनी काम कर रही है इस वक्त, रजिस्टर जो है वो कंपनीज वही इतना अच्छा परफॉर्म करती है, नजर आ रही है माशाल्लाह। तो क्या वजह है कि आप लोग एक तो खास जो कि जो बनाने वाले हैं और उसके बाद आप लोग बेचने वाले हैं उन्हीं के माल को जो लोकल मार्केट के अंदर है, या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि जो मेन प्रॉब्लम्स आपके और जो इंडस्ट्री के साथ हैं वो कोई ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स मौजूद हैं क्या जो जिस वजह से वर्किंग रिलेशनशिप तो हर जगह के ऊपर हो ही जाती है। ठीक है, इश्यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट चाहती है, एज मर्चेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक फिलोसॉफिकल फिलोसफी हमारी ये है एज मर्चेंट्स या एज पाकिस्तानी कि कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। ओके, इंडस्ट्री इज ऑलवेज ट्राइंग कि जी फला ड्यूटी लगा दो, फला ड्यूटी लगा दो, फला ड्यूटी, ताकि उनकी जो है वो प्राइस एस्केलेट हो जाए। ठीक है, उनके मसाइल होंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है बिजली की वजह से, लेबर की वजह से, या वॉट सो एवर रीज़न, लेकिन ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आता है कि जी इंडस्ट्री ऑलवेज वांट्स के जी प्रोटेक्शन दिया जाए इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री को हमने 10 अरब लगा दिए, हमने 5 अरब लगा दिए, हमने 500 अरब लगा दिए तो हमें इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी जाए। हम एज कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और एज मर्चेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें,
مثال کے طور پر آج سے 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے واپس انٹرنیشنل مارکیٹ کافی نیچے تھی. نیچے تھی. اگر ہم سریے کی بات کر لیں, کیونکہ عام آدمی جب لوہے کی بات کرتے ہیں تو سریے کی بات کرتا ہے, سریا جو 60,000 روپے پر ٹن تھا, بالکل ٹھیک ہے, 60,000 روپے کے اوپر ہم ایز اے مرچنٹ ہمارا پروفٹ تھا 1,000 روپے پر ٹن, ٹھیک ہے جی. آج سریا 90,000 روپے ہو گیا, ہمارا پروفٹ جو وہی 1,000 روپے پر ٹن ہے. اب لوگ بولیں ٹھیک ہے جی آپ کو کیا فرق پڑا, لیکن نہیں, ہمارا پروفٹ مارجن جو ہے وہ 40% ریڈیوس ہو گیا. کیپنگ ان ویو اوور انویسٹمنٹ کہ جی اگر میں 1 کروڑ روپے سے کام کرتا تھا تو میں اتنے ٹن کا کام کر سکتا تھا, آج میں 1 کروڑ سے اتنے کم ٹن کا کام کر سکتا ہوں, تو پروفیٹیبلٹی تو آپ کی وہی رہی, لیکن چونکہ انویسٹمنٹ زیادہ ہو گئی, اچھا پروفٹ بھی کم ہو گیا, پروفٹ کم ہو گیا. دوسرا, چونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ جب انڈسٹری کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کلفٹن ڈیفینس کے ایریا کے حوالے سے. ہماری جو ان آرگنائز لیول کے اوپر سریا کی ملیں لگی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر وہ سریا بیچتی ہیں کہ جو ایک عام آدمی ایک عام کنزیومر خریدتا ہے, وہ پروجیکٹس والے نہیں ہیں کہ جی وہاں پہ باہر بورڈ لگا ہوگا کہ اے بی سی کمپنی کا سریا از سپلائیڈ ہیئر. صحیح. وہ 90,000 نہیں 95,000 میں بھی خریدیں گے لیکن وہ برانڈیڈ ہے. ایک عام کنزیومر جس نے 120 گز کا مکان بنانا ہے وہ بولتا ہے بھائی مجھے تو جو ہے وہ 75,000 روپے ٹن والا دے دو. یعنی آپ یہ بات کر رہے ہیں جو بلڈنگیں ٹوٹتی ہیں, جب بلڈنگ ٹوٹتی ہے اس میں سے جو سریے کے ٹکڑے نکلتے ہیں وہ بھی 50,000 روپے کلو میں بکتے ہیں, تو وہ بھی تو آگے کسی نے جا کے استعمال کیا نا. بالکل. تو ہماری مارکیٹ یا ہماری سوسائٹی کاسٹ کانشیس ہے, ہم کوئی فرسٹ ورلڈ میں نہیں رہتے کہ جی ہمیں ہر چیز برانڈیڈ اس گریڈ کی اس اسپیسیفیکیشن کی ہوگی. فرق کہاں آتا ہے, مثال کے طور پر آپ اگر 1,000 گز کا گھر بنائیں گے اور اس کے اوپر آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ 5 کروڑ روپے ہے, بیکاز آپ تو ٹائلیں بھی جو ہے وہ 2,000 روپے اسکوائر فٹ والی لگا رہے ہیں, تو سریے کی قیمت اس کے اوپر کمپوننٹ وائز وہ صرف 4-5% رہ جاتی ہے. لیکن ایک عام آدمی جب 80 گز کا مکان بناتا ہے تو اس کے اوپر کنسٹرکشن کاسٹ کے اندر سریے کی قیمت جو ہے وہ 30% رہ جاتی ہے. کیوں کہ اس کے پاس اس نے وہ ٹائلیں تھوڑی لگانی ہے, اسے تو وہی ٹین کی چھت ڈالنی ہے, اس کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے کہ وہ آر سی سی کرائے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیمتیں اگر کم ہوگی تو کنزمپشن بڑھے گا. ایک پاکستانی عام آدمی جو ہے اس کو بینیفٹ ملے گا, شاید انڈسٹری کو نہ ملے یا انڈسٹری کا پروفٹ کم ہو جائے گا. آج کچھ انڈسٹریز ماشاءاللہ جو لسٹڈ ہیں اور الحمدللہ اتنی اچھی پروفٹ کر رہی ہیں, ایٹ واٹ کاسٹ, ایٹ دا کاسٹ آف اے کامن مین, بیکاز دے آر بینگ پروٹیکٹڈ وتھ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز. اگر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نہ ہو تو پھر وہ انڈسٹری اتنا پروفٹ تو نہیں کر سکتی. تو اگر وہ انڈسٹری اتنا پروفٹ نہیں کر سکے گی تو ٹھیک ہے جی اسٹاک مارکیٹ میں شاید اس کی پرائز کا اتنا بینیفٹ کنزیوم اس کے شیئر ہولڈرس کو مل جائے, لیکن واٹ اباؤٹ اے کامن مین. آج اس وقت شاید ہم پریکٹیکلی اگر کسی ٹریڈ میں بھی بات کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی مارکیٹ سلو ہے, مارکیٹ سلو ہے, چاہے وہ اسٹیل ہو یا دوسری کسی آئٹم کی بات کریں. ریزن کیا ہے کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا. ریزن یہ ہے اس وقت پریکٹیکل جو ایک پرابلم ہے ہماری اکانومی کا وہ ہے گنے کیا. اب کہیں گے آپ کہ جی لوہے کا اور گنے کا کیا واسطہ. آبویسلی ہمارے ملک کی اکانومی کے اندر جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ صرف 3 چیزوں سے ہوتا ہے, کیش کراپ, شوگر کین, کاٹن اینڈ رائس. رائس اس وقت شوگر کین کی حالات یہ ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ شوگر کین نہیں لے رہی گروور سے, گروور پریشان ہے. وہ گروور جو پریشان ہے اس کا افیکٹ بہت نیچے تک ڈاؤن ڈرین آ رہا ہے. شاید ہم انڈسٹری والوں کو لوگوں کو نہیں پتا کہ جو ایئر کنڈیشن بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ جا کے دیکھیں انٹیریئر میں جہاں پہ میلوں تک وہ گنے کے کاٹ کے انہوں نے اپنے ٹرالیاں کھڑی کی ہوئی ہے, وہ گنا پڑا پڑا سوکھ رہا ہے اس گرمی کے اندر. اگر آپ کی 1200 من کی ٹرالی ہے وہ جب ایک ہفتے بعد آپ کا نمبر آئے گا جب آپ پہنچے گی تو 800 من رہ جائے گا. اس بیچارے کی گروور کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی پوری نہیں ہو رہی. اس کا افیکٹ ڈرل ڈاؤن ہوگا, چاہے وہ لوہے پہ ہو, چاہے وہ ٹمبر پہ ہو, چاہے کسی چیز کے اوپر بھی ہو. تو یہ 3 کیش کراپس ہیں نا جہاں سے ہمارے ملک کی اکانومی میں پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, باقی تو کہاں ہیں. اگر دیکھیں ہم ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں, ہم انڈسٹریل بیسڈ نہیں ہیں,
सही बात, अगर हम शहरों में हैं तो एग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि जी पैसा कहाँ से जनरेट होगा, वो तो वो पैसा सारा इकोनॉमी में आएगा, तो ठीक है जी। क्या सर, हम पहले इतना गन्ना ले चुके हैं, वो कहते हैं कि हमने बना के इतनी वाफिर मिकदार में हमारे पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, तो वो इसलिए जो है अब पहले सर, पहले वो पीछे भागते थे कि हमें क्रशिंग के लिए भेज दो, इट्स ऑल ब्लैकमेलिंग। पीछे लगा आपने इतनी इंडस्ट्रियां बेनिफिट लेने के लिए, तो सर इंडस्ट्रियां भी तो फिर किसकी हैं, वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि वो फिर ठीक है जी। तो अब वो बात यही कि पॉलिटिकलाइज हो जाती है इश्यूज, जिसकी वजह से जो है हम कुछ कह सकते नहीं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट तो सब पे आना है। तो सर जिस तरीके से आप अब बता रहे हैं कि एक मसला अभी जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो लिया कि शहर में रास्ते जो हैं वो खुले रहें, लियारी एक्सप्रेसवे और शुक्रिया अदालतों का वो भी बनके तैयार हो गया, बिल्कुल। अब आप लोगों के लिए भी क्या कोई इंतज़ार है किसी चीज़ का कि लिया जाए, ताकि आप लोग कोई उसको जिस तरीके से बात की जाए, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? ऑल्टरनेट कहीं इस वक्त हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है जी। हमारा मटीरियल अगर मैंने चाइना से चार कंटेनर माल मंगाया है तो वो आके तो हमारी दुकान पे ही बिकना है ना, विच इज डाउनटाउन। अब हाँ, हमें मार्केटें दी जाए, जैसे हम समझते हैं कि जैसे स्टील मिल ने हमारे लिए एलोकेट की थी, इस तरीके से हमें एक दफ़ा जो है वो CDGK ने हमारे मास्टर प्लान के अंदर किया। बिल्कुल अप्रोच किया, कहीं अप्रोच किया नहीं जी, हमने अप्रोच भी किया, हमने वो जगह भी विजिट की, वहाँ पे कब्जा हुआ हुआ है। अब वो हमसे कहते हैं कि जी आप जाएं वहाँ पे उनसे कब्जा छुड़ाएं, तो ये हम व्यापारी आदमी, हम जाके लड़े उन लोगों से कब्जा छुड़ाने के लिए। हमें कहा गया कि ये 75 एकड़ ज़मीन है, ये आपको हम दे रहे हैं, आप वहाँ पे जो बाउंड्री वॉल बना लें, ठीक है। हम जब वहाँ पे इंस्पेक्ट करने गए तो वहाँ पे तो गांव गोट बने हुए हैं, और वो गांव गोटों वालों को हटाएगा कौन? तो कौन करके देगा? इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डू इट फॉर अस। तो आपकी सिंध गवर्नमेंट से बात हुई, फेडरल सिंध गवर्नमेंट से? तो आप देखें, मैं हर सेक्टर में जो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गेस्ट आते हैं, मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि अब क्योंकि दिन करीब आ रहे हैं, हमें पॉलिसीज अभी से बनानी है कि आने वाला जो बजट है उसके लिए उससे पहले मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। मेरा सबसे आखिरी सवाल मैं हमेशा यही करता हूं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या पॉलिसीज चाह रहे हैं हुकूमत की तरफ से? सबसे बड़ी बात कि इस शहर के लिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से बिज़नेस आपका मुंसलिक है, आप चाहते हैं प्रॉपर एक अब मार्केट बना दी जाए, आप वहाँ के लिए क्या आप लोगों की अब पॉलिसी है, बजट और आगे आने वाले दिन के लिए गवर्नमेंट से क्या पॉलिसी चाहते हैं? बजट प्रोपोजल्स में तो चूँकि जो टैरिफ रेशनलाइजेशन का जो काम है वो हमने नेशनल टैरिफ कमीशन को भी लिखा है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी लिखा है कि जी हमारी मुख्तलिफ रेट ऑफ़ ड्यूटीज़ जो हैं उनको स्लैप डाउन करके जस्ट वन फ्लैट रेट ऑफ ड्यूटी कर दी जाए, ताकि हम जो है इम्पोर्टेड मटीरियल और लोकल इंडस्ट्री में जो क्लैश है वो ना हो। क्योंकि बहुत सी आइटम्स जो हैं जिनके ऊपर हम 20% ड्यूटी देते हैं वो सब वर्केबल ही नहीं है। अब रही बात कि सिंध गवर्नमेंट की या CDG के जो सिंध लोकल इंडस्ट्री लोकल गवर्नमेंट या सिटी गवर्नमेंट उसके हवाले से, या पाकिस्तान स्टील में अगर हम समझते हैं कि हम तो BOT के ऊपर ज़मीन मांग रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि जी हमें फ्री में दे दें, ठीक है। हमें अगर पाकिस्तान स्टील मिल की का कोई काम होता है तो हम वहाँ पर अपनी मार्केट को इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हैं BOT के ऊपर, हमें कोई फ्री में ज़मीन नहीं चाहिए, हम पैसे भी देंगे। इसी तरीके से अगर CDGK के प्लानिंग में है, जो कि एक मास्टर प्लान जो कराची का बना हुआ है उसमें हमारे लिए जगह एलोकेट हुई हुई है, okay। लेकिन वो अगर हमें खाली करा के दें तो है ना, हम व्यापारी आदमी है, हमारा काम तो नहीं कि जी बंदूक के जाके वहाँ पे खाली कराओ जी, हटो जी, हम बैठेंगे, हम करेंगे मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया शमून साहब आपके आने का। नाज़रीन, हमारे साथ शमून बाकर साहब मौजूद थे, प्रेसिडेंट हैं आप कराची आयरन स्टील मर्चेंटाइजर एसोसिएशन के। वही बातें हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे सेक्टर वाइज करते हैं। स्टील सेक्टर को हम इसलिए फोकस कर बैठे क्योंकि जब से CPEC अनाउंसमेंट हुआ है, इससे कबल भी जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो कि 8वें नंबर पे आता है जो स्टील की या तो प्रोडक्शन करता रहा या इम्पोर्ट करता रहा या एक्सपोर्ट करता रहा, लेकिन अब ये हाल है कि हमें अपनी जो बड़ी पाकिस्तान की स्टील मिल है वो बंद करे बैठे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया कोई इस तरफ आए, उसकी तरफ जो है उसको इन्वेस्ट करे और दोबारा से जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। स्टील सेक्टर से इतना ही, अगले सेशन में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, देखते रहें बिजनेस प्लस।